आज हम कक्षा 10 के क्षितिज भाग में से गद्य खंड के स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा कहानी पर सार और उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले कहानी की पात्र परिचय में हालदार साहब एक भावुक और सहृदय व्यक्ति हैं। पान वाला, चौराहे पर पान की दुकान वाला, कैप्टन एक वृद्ध जो चश्मे बेचता है, और मास्टर मोतीलाल ड्राइंग हाई स्कूल में ड्राइंग के मास्टर। सबसे पहले कहानी का सार। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम करती, तो कभी शौचालय बनवाने का काम करती, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती आदि। एक बार नगरपालिका में एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया था। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, भाई वाह, आइडिया ठीक है, मूर्ति तो पत्थर की थी पर चश्मा वास्तविक था। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा दिखा। तीसरी बार उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। हालदार साहब को समझते देर नहीं लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए वह अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक नेताजी की मूर्ति पर सेट कर देता हो। इसलिए जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह मूर्ति से उतार कर उसे ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था और चश्मा बना नहीं पाया था। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। शायद इसी कारण उनकी बिना चश्मे वाली मूर्ति वह नहीं देख पाता है। पान वाले ने यह बताया कि वह यह लंगड़ा कैप्टन घूम घूम कर चश्मे बेचता है। तब हालदार साहब के मन में देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले के लिए आदर का भाव उमड़ पड़ा। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनाए जाना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक हाथ में टंगे ढेर सारे चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इसे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखा। पूछने पर पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़रें चौराहे पर आते ही आँखें मूर्ति की ओर उठ गई। अजीब से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई। अब देखते हैं कहानी का उद्देश्य। नेताजी का चश्मा हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास करती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, तब उसका उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे, हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम अच्छे कार्य करें जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस प्रतिभा
की गरिमा का ध्यान रखें। हम न तो स्वयं उस प्रतिमा का अपमान करें अथवा उसे क्षति पहुंचाएं, न ही दूसरों को ऐसा करने दें। हम उस प्रतिमा के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें और उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरे लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने उन नागरिकों के महत्व को भी उभारा है जो गुमनामी के पन्नों में खो गए हैं। देश के निर्माण में उन सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है जिनके नाम से सभी अपरिचित हैं। कैप्टन नामक चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसी कस्बे तक सीमित थी।